पूरे मध्य प्रदेश में आशा और उषा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से हड़ताल कर रही हैं। वहीं 20 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक सरकार और प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब न मिलने के कारण अब दिल्ली का रुख आशा उषा कार्यकर्ताओं ने लिया है। जबलपुर की आशा उषा कार्यकर्ता अब दिल्ली में जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगी। जहां आशा उषा सहयोगी एकता संघ की प्रदेश सचिव पूजा कनौजिया ने बताया कि पिछले 20 दिनों से प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। उसके बाद भी राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है, जिसके कारण दिल्ली में 5 अप्रैल को होने वाले आंदोलन में जबलपुर से आशा उषा कार्यकर्ता आज रवाना होंगी। अपनी विभिन्न मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कार्य आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है, जो कि सही नहीं है, जबकि आशा उषा कार्यकर्ताओं से प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा वेतन से ज्यादा काम लिया जाता है। वहीं 2,000 रुपए में आशा उषा कार्यकर्ताओं और सहयोगी किस प्रकार से अपने घर का पालन पोषण कर सकेंगी। वहीं प्रदेश स्तरीय आंदोलन के 20 दिन हो जाने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। लगातार हम लोग आज हमारी हड़ताल का 20वां दिन है और अब हम लोग दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मात्र 2000 में आशा उषा कार्यकर्ता सहयोगी बहनें कब तक अपना जीवन यापन करेंगी। ये जो सरकार है 20 दिन के बाद भी कोई अभी हम लोगों को सूचना नहीं है, कुछ भी हम लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा, खबर नहीं ले रहा, और काम कराने के लिए हमारे सिर तक बोझ डाला जाता है। और ऐसी जो शोषण की स्थिति है आशा उषा सहयोगियों के साथ, इस पे कब सरकार अपना बात करेगी और आशाओं की बात पे ध्यान देगी। ये सारे मुद्दे को लेकर हम सभी दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। कल हम लोग दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। 5 तारीख को हम सभी का विशाल आंदोलन है। आपका नाम? पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव C2 संगठन आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश।